इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के उम्मीदवार इटावा रामशंकर कठेरिया जी, और इस बार आपका जो क्षेत्र है वो बदला है, आगरा से आप इटावा आए, तो ये जो जर्नी है वो कितनी आसान होने वाली आने आगे? देखिए, इटावा लोकसभा के जो सम्मानित मतदाता हैं बहुत जागरूक हैं, वो जानते हैं कि इटावा ने चार चार बार जिस इटावा ने मुख्यमंत्री दिए हों और वो इटावा निराश हो, एक नौजवान के लिए कोई इंडस्ट्री ना हो, केवल इटावा का विकास एक गांव से वहीं तक सिमट गया हो, तो इटावा लोकसभा की जनता चाहती है कि यहाँ पर कमल खिले और मोदी योगी जी के नेतृत्व में यहाँ आगरा इटावा लोकसभा का विकास हो। लेकिन बात यही है ना, क्या कि आपका जो एक आप पे एक तमगा है कि आप आउटसाइडर बाहरी है, आप कहीं आपको लगता है क्या कि वो आपको नुकसान कर रहा है? मैं इसी डिग्री कॉलेज में पढ़ा हूँ, यही मेरा घर है, यही मेरी जन्मभूमि, यही मैं प्रचारक रहा, मेरी कर्म भूमि है। ये जो हारे हुए लोग, निराश हुए लोग थोड़ा इस तरह की बात करते हैं, लेकिन जनता ने नकार दिया है, यहाँ कमल खिलेगा और नरेंद्र भाई मोदी पीएम बनेंगे, इसमें कहीं कोई किसी तरह के दोरा नहीं। आपने सैफई की बात की और बगल में मुलायम सिंह का गढ़ माना जाता है कि इटावा है, तो क्या आपको चुनौती नहीं लगती है क्या कि ये समाजवादियों का गढ़ है जहाँ से आप टक्कर दे रहे हैं? देखिए, समाजवादियों पर गढ़ नहीं है, अब घड़ा है, घड़ा, और घड़ा भर गया है, वो फूट चुका है, अब तो केवल कमल खिलेगा। पिछले समय भी कमल खिला और 5 विधानसभाओं में भी कमल खिला और ये फिर से कमल खेलने जा रहा है। ऐतिहासिक इटावा से भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। आप गांव में जाइए, गांव का गांव पूरा का पूरा 80% 90% जाति के गठबंधन के सारे बंधन टूट गए, आप जाके गांव में देखिए कितना। गठबंधन की बात की है तो ये सुरक्षित सीट तो है ही, मायावती जी का भी माना जाता है आप बहुत असर है, कभी कांचीराम यहाँ से सांसद रहे थे, तो आपको नहीं लगता है क्या कि इस बार दोबारा गठबंधन की वापसी हुई है तो एक जातिगत समीकरण खिलाफ उनका बंधन खुद ही टूट रहा है, वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आज की खबर है कि बीएसपी वाले चाहते हैं सपा वाला हार जाए, सपा वाला चाहते हैं बीजेपी हार जाए, क्योंकि 23 तारीख को गठबंधन टूटेगा, एक दूसरे को गालियां देंगे, ये सपा बसपा के मतदाता भी जान रहे हैं, और इसलिए वो राष्ट्र के हित में मोदी जी को पीएम बनाना चाहते हैं और उसी तरह का मतदान हो रहा है पूरे लोकसभा में जाके आप देखिए। तो आप मतलब ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि गठबंधन टूटने वाला? अरे, गठबंधन टूटेगा, गठबंधन तो चलने वाला है नहीं, कि स्वार्थ का बंधन है, दल मिले थे, दिल नहीं मिले, और जब दिल नहीं मिलते हैं तो भीतरघात होता है और भीतरघात में दोनों को नुकसान होता है और भाजपा को फायदा होता है, वही हो रहा है। चलिए, तो रामशंकर कठेरिया जी हैं जो कि बड़े नेता हैं इस क्षेत्र के, बीजेपी से उम्मीदवार भी हैं, इनका कहना है कि गठबंधन टूटेगा और कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि सपा और बसपा में जो आपस में कार्यकर्ता हैं वो उनको हराने में लगे हुए हैं, इसलिए बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। कैमरामैन नरेश चंद के साथ कुमार खुणाल।